गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव सोल्ड सम एग्जांपल ऑन आर्क्यमेडिक्स प्रिंसिपल एंड पास्कल लॉ एंड इन दिस लेक्चर टू वी विल स्टडी वी विल सोल्व सम एग्जांपल ऑन द सेम आर्काम प्रिंसिपल एंड पास्कल लॉ लो क्लियर मेरे जो आपको एक क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन ये बीकर वाला इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू थिंक डिफरेंटली क्लियर दो तरीके थे मैंने आपको उसमें समझाया था now i am taking the same kind of problem you will have to think in this problem too in the same way what you have did in the previous one okay this is the problem

ना एटमोसफेयर के लिए ओपन नहीं है क्लोज है बताऊंगा आपको मैं होने होने से और होने से और ओपन क्या फर्क पड़ता है आपको दिया गया है कि मास ऑफ वाटर इज कैपिटल एम बेस एरिया आपको दिया गया है ए बेस एरिया ए हाइट आपको दिया गया है एच ये एरिया दिया गया है स्मॉल ए टॉप एरिया जो ओपनिंग का एरिया है वो टॉप है इसको लीड लगा के क्लोज किया गया है आपको बताना है कैलकुलेट द फोर्स एग्जाइटेड बाय कर्व वॉल ऑफ द गिवन पॉट ऑन द वाटर पानी पर जो कर्ड सरफेस है उसकी वजह से कितना टोटल फोर्स लग रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है समझे ये पूरा डेटा हमें दिया गया तो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कल हमने सॉल्व किया था ये थोड़ा सा आसान है उस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा आसान है इसमें भी सोचने की अप्रोच बिल्कुल वही रहेगी वही तरीका रहेगा कैसे देखो सबसे पहले हम ये जो बेस है इस बेस पर नेट फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे कैसे इस पर पहले हम पानी की वजह से आने वाला टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे अब देखो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर सभी यहां जो पॉइंट है बी सी डी ई नाम दे देता हूं जो बी सी बेस है इस पर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो सेम होना चाहिए क्यों होना चाहिए सेम इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक फ्लूड में एक लेवल पर प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम होता है ये प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक फ्लूड की समझे बच्चों तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम आएगा और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है जितनी हाइट है रो जी एच, रो ऑफ वाटर जी ऑफ ग्रेविटी एच हाइट तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है हम ये कह सकते हैं कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हर एक पॉइंट का प्रेशर पता है यहां से लेके यहां तक कितना एच तो ये तो मुझे हाइट की वजह से पता चला अब उस प्रिंसिपल की वजह से ये प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था कि एक लेवल पे सेम प्रेशर होता है मैं ये बोल सकता हूं कि जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां होगा क्योंकि यहां से लेके यहां तक प्रेशर कितना है रोजी एच तो बेटा यहां से लेके यहां तक भी प्रेशर एच होगा क्योंकि ये सब सेम लेवल पे है क्योंकि बच्चों को यहां डाउट ये आता है कि बेटा इसके ऊपर हाइट

वहां भी बॉटम पर हर एक पॉइंट पर फ्रेश प्रेशर जो था वो रोजियस था तो मुझे पता चल चुका है प्रेशर कितना है तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन में क्या आएगा कि जो सॉल्यूशन में जो आएगा हमारे पास फोर्स एट बी सी बी सी पर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा एरिया ऑफ बी सी इसका एरिया कितना है ए प्रेशर ऑन बीसी प्रेशर कितना है रो जी एच आई बात समझ में क्लियर अब ये मेरे पास आ चुका है बीसी पर नेट फोर्स जो नीचे की ओर है ये किसकी वजह से है ये लिक्विड की वजह से है किसकी वजह से ड्यू टू लिक्विड हाइट ये लिक्विड की हाइट की वजह से है ये प्रेशर देखो ये दीवारें भी इस बेस के साथ अटैच है है ना ये अटैच है ये दीवार भी इस बेस के साथ अटैच है तो बेटा अगर दीवार ऊपर या नीचे जाना चाहेगी तो बेटा दीवार भी बेस बीसी पर ऊपर या नीचे फोर्स लगाएगी तो मैंने बीसी पर नेट फोर्स पानी की हाइट की वजह से निकाल लिया है समझ में बात अब मैं दीवार पर नेट लगने वाला फोर्स निकालूंगा कि दीवार पर नेट लगने वाला फोर्स किस प्रकार से आएगा इसके बारे में सोचूंगा इसके लिए मैं इसी फिगर में आपको थोड़ा और अच्छे सोच के बताता हूं मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट की बात करते हैं इस पॉइंट पर है हम तो यह पॉइंट पर प्रेशर वो होगा जो इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे हाइट कुछ कम है एक्स मान लेता हूं यहां कितनी है है ये हाइट मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक तो इस पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा रोजी एक्स और वो किस प्रकार से होगा इस प्रकार से होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर समझे बच्चों क्लियर तो यहां इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा अगर मैं छोटा सा इसका एरिया लेता हूं तो फोर्स में कहूंगा कि ऐसे फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा आई बात समझ में? क्लियर। यहां इस पर प्रेशर पी छोटा सा एरिया मान लेता हूं तो डीएफ ऐसे लगेगा, DF ऐसे लगेगा. में फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे में उसका एक थीटा इधर आएगा डीएफ साइन थीटा और यही कहानी एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पर भी होगी कि फोर्स लगेगा ऐसे क्योंकि प्रेशर लगेगा ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेशर कितना होगा इस हाइट के बराबर जो यहां होगा ये हाइट मान लेता हूँ एक्स है तो यहाँ भी रोजी एक्स होगा तो इसकी वजह से अगर इसका एरिया बहुत छोटा सा मान लेता हूँ इस पॉइंट का डीए तो यहां भी फोर्स इस प्रकार से आएगा जिसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डी एफ थीटा और एक इधर आएगा डी एफ थीटा मैंने पहले क्या किया इस बी बेस पर लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर फोर्स निकाला प्रेशर निकाला फिर फोर्स निकाला अब मैं ये जो कर्ड सरफेस है उस पर फोर्स किस प्रकार से आ रहा होगा इसको सोच रहा हूं तो मुझे यह पता चला कि इन कर्ड सर्फेस पर यह एक्चुअल में ऐसी शेप है किस टाइप की शेप है ऐसे कॉनिकल कौन में ऊपर वर्टेक्स होती है मैं एक कौन को काट देता हूं ऊपर से ऊपर का हिस्से हटा के फेंक देता हूं तो जो शेप बचेगी वो है ये तो इस प्रकार से ये दीवारें हैं कौन टाइप से तो इसमें जो ये फोर्स में दिखा रहा हूं ये एक्चुअल में किस प्रकार से आएगा ऐसे समझे ना जो ये कर्ड स्लैंट दीवारें हैं इसकी इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा ऐसे क्लियर तो इन सभी का एक कंपोनेंट इधर एक ऊपर एक कंपोनेंट इधर एक ऊपर तो ये जो फोर्स है ये देखो अब किस तरीके से आएगा ये आएगा सर्किल में किस प्रकार से जैसे ये कौन है क्लियर तो इस कौन के चार और फोर्स से आएगा सर्किल में यानी अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको किस प्रकार से दिखाई देगा अगर आप इसको ऊपर से देखोगे आपको इस प्रकार से ये फोर्स दिखाई देगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर आप इस अरेंजमेंट को ऊपर से देखोगे तो ये पूरा कितना है? DF theta, DF theta, resultant कितना आएगा जीरो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगे. और एक फोर्स क्या आएगा ऊपर की ओर यानी इन सभी का एडिशन डी एफ साइन का क्लियर आएगा ना अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक फोर्स आपको ये नजर आएगा एफ डी एफ साइन और यह क्या आएगा डी एफ कोस थिएटा डीएफ को हर डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा डी एफ साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर तो वो ऐड हो जाएगा तो मेरी समझ में ये आता है अब देखो मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इंटीग्रेशन से सिर्फ मैंने डायरेक्शन को समझा है इसका मतलब ये है कि ये जो दीवारें हैं कर्व सरफेस इन पर लिक्विड ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है नेट टोटल फोर्स इस लिक्विड की वजह से इन स्लेंट जो दीवार है स्लेंट दीवारों पर नेट फोर्स की ओर आएगा मैंने तो एक को देखा है। अगर जो वर्टिकली अब होंगे ऊपर की ओर होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे यहां से लेके यहां तक बहुत सारे पॉइंट सब पॉइंट पर लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर नेट आएगा ये मुझे समझना था अभी तो कुल मिला के मैं यहां तक आ चुका हूं कि लिक्विड की वजह से कर्ड सरफेस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर आएगा आई आए बात समझ में और अब बात ध्यान से तो सुनना ये जो कर्ड सरफेस है ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है हां या ना बोलो बेस के साथ जुड़ा हुआ है अगर ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो फोर्स दीवारों पर ऊपर की ओर लग रहा है ये फोर्स किसको फील होगा बेस को ऊपर की ओर फील होगा आई बात समझ में यहां ये जो बर्तन है बर्तन की सिर्फ दीवारें हैं जिनका मास नेग्लिजिबल है बहुत दीवारें हैं। तो अगर मैं इस दीवार पर ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाता हूं, और दीवारी तो डी लगेगा, लगेगा। तो की बात कर लेता हूं बीसी पर एक फोर्स लिक्विड की हाइट की वजह से नीचे लगा ये बीसी पर दीवारों की वजह से एक फोर्स लगा ऊपर की ओर ये फोर्स कौन सा है ये वो टोटल फोर्स है जो पानी ने कर्ड सरफेस पर लगाया समझे तो बीसी बेस पर दो फोर्स का एडिशन आएगा मैं यहां लिखने जा रहा हूं इसको हटा देता हूं और यह बात में लिखने जा रहा हूं नेट फोर्स ऑन बेस बीसी किसकी वजह से आएगा फोर्स ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड प्लस दूसरा क्या आएगा फोर्स ड्यू टू अप्लाइड बाय फोर्स अप्लाइड बाय लिख देते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द कर्व्ड वॉल ये फोर्स किधर है नीचे की ओर और, और ये फोर्स किधर है ऊपर की ओर ये बेस पर नेट फोर्स आएगा समझे ना बीसी बेस पर नेट फोर्स आएगा मतलब इतने फोर्स से ये जो दोनों का एडिशन है इतने फोर्स से बीसी बेस नीचे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेगा समझे क्लियर अब एक बात ध्यान से सुनना अगर मैं इस अरेजमेंट को उठाकर वेगिंग मशीन पे रख देता हूं तो मुझे रीडिंग कितनी मिलनी चाहिए मुझे रीडिंग मिलेगी इस पानी की समझे ना पानी कितने किलोग्राम है ये मुझे उसमें रीडिंग दिखाई देगी बर्तन में कोई वेट नहीं है बर्तन मसलेस है समझे ना तो मुझे जो रीडिंग आएगी वेगिंग मशीन की वो आएगी एम के जी इसका मतलब ये है वेगिंग मशीन के को, कौन है बीसी पर नीचे की ओर आने वाला नेट फोर्स इसका मतलब यह है मैं यह कहूंगा कि बीसी पर नीचे की ओर आने वाला नेट फोर्स टोटल मास का वेट है ऊपर जो मास है टोटल उस मास का वेट है नेट फोर्स बीसी पे नीचे की ओर आई बात समझ में ये कौन है ये कैलकुलेट कर चुका हूं मैं रो जी एच इंटू ऊपर की ओर अब जरा इस टर्म को समझो ये टर्म क्या था फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑफ द पॉट ऑन द बीसी समझ में आई बात कि ये दीवारें बीसी पर कितना फोर्स लगाएंगी इन दीवारों पर जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा वही तो ये दीवार बीसी पे लगाएंगी अब दीवारों पर ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके बराबर आएगा फोर्स एग्जॉटेड बाय वॉटर ऑन दी कर्ड वॉल कर्ड वॉल wow. अब आपको ये दो चीज अलग अलग नजर आएगी कि ये मैंने यहां और यहां क्या लिख दिया यहां लिखा है फोर्स बाय कर्ड वॉल ऑन ऑन बीसी बीसी बेस समझे और यहां मैं इसी को यहां क्या लिख रहा हूं फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल ये मैंने आपको बताया कि ये जो पानी है जितने फोर्स से दीवारों को ऊपर की ओर खींचेगा मतलब ऊपर की ओर पुश करेगा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये ये बेस पे लगाएंगी ये कुछ ऐसी बात है कि मैंने एक रस्सी ली रस्सी के एक एंड को मैंने खींचा और रस्सी दूसरा उधर बंधा हुआ है दीवार से क्लियर तो मेरा जो फोर्स है वो किधर ट्रांसफर हो रहा है दीवार पे ट्रांसफर हो रहा है ना ये वही बात है पानी कर्ड दीवारों पर नेट फोर्स ऊपर लगा रहा है और दीवारें जुड़ी हुई है बेस से तो एक्चुअल में पानी द्वारा लगाया गया फोर्स बीसी बेस पर ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू दीवारों के थ्रू तो ये जो टर्म यहां लिखा हुआ था फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल यही वो अमाउंट है जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द कर वॉल है बात समझ में अब यहां से मैं लिख सकता हूं कि एम जी माइनस रो जी एच ए अब देखो या एक बात ध्यान रखना ये जो फोर्स था ऊपर की ओर था और ये फोर्स क्या था नीचे की ओर ये फोर्स ऊपर की ओर है और ये फोर्स नीचे की ओर है ये फोर्स नीचे की ओर है ये डायरेक्शन का भी ध्यान रखना ये फोर्स ऊपर की ओर है ये फोर्स नीचे की ओर है, है और ये फोर्स नीचे की ओर है तो मुझे एक डायरेक्शन माननी चाहिए ऊपर वाली डायरेक्शन या तो पॉजिटिव या नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माननी चाहिए यह डायरेक्शन फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन होती है मैंने बोला ये नेट फोर्स क्या आएगा वेट नीचे की ओर ये फोर्स मुझे पता है ये वाला फोर्स नीचे की ओर था ये वाला फोर्स नीचे की ओर देखो ये एरो लगाया था मैंने पानी की हाइट की वजह से बीसी पर नेट फोर्स नीचे आएगा और फोर्स जो कर डायरेक्शन से कि पानी कर तो अब मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो ऊपर वाली डायरेक्शन मुझे क्या लिखनी पड़ेगी माइनस लिखनी पड़ेगी तो फोर्स एग्जॉटेड बाय वॉटर ऑन द कर्वड वॉल ऊपर की ओर माइनस आ रहा है इसका मतलब यहां यह अमाउंट माइनस आएगा तो इस माइनस को इधर लेके आते हैं रो जी एच ए माइनस एमजी लिख देते हैं अभी पॉजिटिव आ जाएगा फोर्स एग्जॉट बाय वाटर ऑन कर्व वॉल तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा ये समझे ना ये माइनस क्यों लिखा मैंने ये माइनस इसलिए लिखा कि मैंने ऊपर की ओर दर्शाया हुआ है अगर आप ये माइनस नहीं लिखते तो यहाँ मोड लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये एरो का ध्यान रखना है ये दोनों फोर्स नीचे हैं ये फोर्स ऊपर की ओर है तो यहां पहले से या तो लिखो, आप सब नीचे की ओर कर दो फिर इसको इधर लेके जाओ उसको उधर लेके जाओ क्या आएगा रोजी आएगा ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा क्लियर या फिर आप क्लियर रखो दिमाग में अपने कि जो पानी दीवार पर फोर्स लगाएगा वो ऊपर की ओर आएगा यहाँ से जो वैल्यू आती है चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए उसका अमाउंट लो समझे ना वो अमाउंट इधर लग रहा है ऊपर की ओर अब ध्यान से सुने क्वेश्चन क्या था फोर्स एग्जेटेड बाय कर्ड वॉल ऑन द गिवन पॉट ऑन वाटर फोर्स एग्जर्टेड बाय द कर्ड वॉल ऑफ द गिवन पॉट ऑन वाटर ये क्वेश्चन था पानी पर दीवार जो कर्ड सरफेस है उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है आया क्या मेरे पास पानी ने कर्ड दीवार पर कितना फोर्स लगाया कैलकुलेट क्या करना है कर्ड दीवारों ने वक्र प्रश्न में पानी पर कितना फोर्स लगाया तो ये दोनों बराबर होंगे न्यूटन थडलो से पानी कर्ड सरफेस पर जितना फोर्स लगाएगा वो बराबर होगा जितना कर्ड सरफेस पानी पे लगाएगा तो एक्चुअल में यही मेरा आंसर है इसमें आपने देखो लैंग्वेज अलग है कि फोर्स जो दीवारें पानी पर लगा रही है वो कितना आएगा ये क्या है फोर्स जो पानी दीवारों पर लग रहा है वो कितना आया तो ये दोनों बराबरी तो होंगे डायरेक्शन चेंज होगी समझ में ही बात ये पता है मुझे फोर्स ऊपर की ओर है ये क्या आएगा नीचे की ओर दीवारें पानी पे कितना लगाएंगे नीचे की ओर नेट समझ में आई बात ये क्वेश्चन वैसा ही था जैसा मैंने कल आपको बताया था इन प्रॉब्लम में थोड़ा आपको अच्छे से सोचना होता है इसमें आप देखो मैंने डायरेक्टली इस फोर्स पर सोचना स्टार्ट नहीं किया मैंने इसमें बेस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को सोचना स्टार्ट किया ऐसा भी मैं कर सकता था कि मैं डायरेक्टली इस फोर्स के बारे में ही सोचना स्टार्ट करता कि मैं कर्ड सरफेस पर पानी ने कितना फोर्स लगाया डायरेक्ट इसी की कैलकुलेशन करता हूं और इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन की फॉर्म में सोचना पड़ेगा समझ में ही बात अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे सोचो और यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसको मैं अभी इंटीग्रेशन से भी आपको समझाता हूं देखो ये जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं ये सेकंड मेथड एडवांस वाले बच्चे देखें समझे नीट और मेंस वाले बच्चे इसको ज्यादा ध्यान से ना देखें इसको छोड़ सकते हैं वो उसका रीजन क्या है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें इंटीग्रेशन ज्यादा है समझे एडवांस वालों को इस टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है तो वो इसको ध्यान से सुने मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एडवांस वाले इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी किया जा सकता है बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं समझे इंटीग्रेशन वाला मेथड में आपको बताना चाह रहा हूं इस तरीके से आपको नहीं करना है अगर एग्जाम में आता है स्मार्ट वे से ही करेंगे उससे समय कम लगता है अब देखो इंटीग्रेशन से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट उसी फोर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दीवारें पानी पर कितना फोर्स लगा रही हैं तो डायरेक्ट ये जो स्लैंट वॉल है मैं उन दीवारें और पानी के बीच कांटेक्ट पर स्टडी करूंगा पानी और दीवारों के बीच जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट पे लगने वाले फोर्स को मैं स्टडी करूंगा मुझे पता है कि ये कांटेक्ट पॉइंट है ये पानी के साथ स्लैंट वॉल्स का हर एक पॉइंट पर फोर्स अलग अलग आएगा क्योंकि हर एक प्रेशर अलग अलग है क्यों? क्योंकि पॉइंट पॉइंट टॉप से जो इस पे और इसकी हाइट ज्यादा है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस पर वो होगा जो इस पॉइंट पर होगा और इसकी हाइट कम है आई बात समझ में क्योंकि हर एक पॉइंट अलग अलग हाइट पर है तो हर हर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर आएगा अलग अलग फोर्स आएगा तो मैं डायरेक्ट फोर्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकता मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक छोटा एलिमेंट मानना पड़ेगा जिस पर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान सकूं, जिसकी हाइट के अलोंग में प्रेशर को कांस्टेंट मान सकूं, और फिर मैं प्रेशर इनटू एरिया से क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। समझे इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर देने का मतलब उस छोटे से एलिमेंट पर मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकूं अब देखो मैं करता हूं कि यहां एक एलिमेंट मान लेता हूं यह एलिमेंट माना है मैंने जिसकी थिकनेस ये है ये थिकनेस है थोड़ा मैंने बड़ा दिखाया आपको जिससे कि क्लैरिटी के साथ ही फिगर आप बना सके इस एलिमेंट की लोकेशन में मान लेता हूं टॉप से एक्स पर टॉप पॉइंट से एक्स डेप्थ पर डी एक्स मोटाई का मैंने पानी का एक एलिमेंट माना समझे ना ये एक एलिमेंट है अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि दीवार ने पानी पर नेट फोर्स कितना लगाया तो मैं इस एलिमेंट के एफबीडी पर सोचूंगा समझे अब इस एलिमेंट पर यदि आप फोर्स देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि इस पॉइंट पर जो पानी दीवार पर प्रेशर लगाएगा वो इस प्रकार से आएगा और जो दीवार पानी पर पानी के इस एलिमेंट पर प्रेशर लगाएगी वो इस प्रकार से आएगा ये प्रेशर P1 नाम दे देता हूं ये प्रेशर P2 नाम दे देता हूं समझे ना P1 क्या है ये दोनों बराबर आएंगे डायरेक्शन अपोजिट होगी मैग्नीट्यूड में बराबर आएंगे तो हम लिखेंगे P1 प्रेशर एग्जॉल्टेड बाय वाटर एलिमेंट ऑन वॉल और यही किसके बराबर आएगा P2 के ये कौन सा होगा प्रेशर एग्जार्टेड बाय वॉल ऑन द एलिमेंट प्रेशर एग्जेड बाय वॉल ऑन दॉटर एलिमेंट समझे और यह क्या है प्रेशर एक्टेड बाई द वॉटर एलिमेंट ऑन द वॉल वही चीज है जो न्यूटन थर्ड लो में बताई गई थी कि मैं अगर इसको दबाता हूं एन फोर्स से तो यह मेरे को भी दबाता है समझे ना एक्शन रि एक्शन पेर वाला जो लॉ था उससे मैंने ये बात लिखी तो मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि दीवार पानी पर कितना फोर्स लगाती है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा पी टू समझे ना P2 की वजह से यानी दीवार की वजह से वाटर एलिमेंट पर आने वाला जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स है अब मैं क्या करता हूं मैं वाटर एलिमेंट को अलग से यहां बना लेता हूं वाटर एलिमेंट यहां बना लेता हूं मैं ये वाटर एलिमेंट है ये जो हाइट है ये dx है बहुत छोटी हाइट समझे बच्चों अगर आप इसको टॉप व्यू लेना चाहते हो टॉप व्यू एलिमेंट का टॉप व्यू लेना चाहते हैं यदि आप तो ये आपको किस प्रकार से नजर आएगा एक सर्कल बड़ा हो गया छोटा बना देता हूं इसको एक सर्कल नजर आएगा अगर आप ऊपर से देखोगे अब इसका एफबीडी बना लेते हैं किसका इसका एफबीडी इसके एफबी में एक तो इसका फोर्स आएगा नीचे की ओर डीएमजी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ये मुझे कैलकुलेट नहीं करना है मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि दीवार ने कितना फोर्स लगाया अब दीवार पर से इसकी ओर जो आएगा प्रेशर वो टू आएगा और वो कितना आएगा ये कितनी डेप्थ पे एलिमेंट लिया मैंने ऊपर से एक्स डेप्थ पे लिया तो ये जो पीटू आना चाहिए ये आना चाहिए रो जी एक्स अगर ये यहां लिड लगा हुआ ये क्लोज्ड है तो आना चाहिए रो जी एक्स और यदि ओपन है तो यहां आना चाहिए रोजी एक्स प्लस पी नोट बस इतना सा डिफरेंस आएगा अभी मैं तो यहां रोजी एक्स प्लस पी नोट आता ये बता रखा है, आपको। उससे बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं अगर है तो मैं उसको मान सकता हूँ पी नोट को जीरो मान सकता हूँ रोजी एक्स अब देखो ये जो एलिमेंट की शेप है आपको क्या लगता है किस प्रकार की आएगी डिस्क टाइप की आएगी समझे ना जो कि कॉर्नर से थोड़ा स्लेंट होगी अगर आप उसको फ्रंट से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा और टॉप से देखोगे तो आपको डिस्क ही नजर आएगी एक क्लियर तो अब मैं क्या करता हूं ये जो फोर्स है सॉरी प्रेशर है ये। इस प्रेशर की वजह से इस पर लगने वाला क्या कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से लेके यहां तक मैं मानूंगा कि ये प्रेशर सेम है क्योंकि ये बहुत छोटी हाइट डीएक्स छोटा है तो ये भी बहुत ज्यादा छोटा होगा ये एक्स बहुत ज्यादा छोटा है तो ये भी बहुत ज्यादा छोटा होगा तो ये जो प्रेशर है वो यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्मली माना जा सकता है आई बात समझ में तो अब मैं क्या करूंगा इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा इस और एक कंपोनेंट इधर आएगा अभी तो मैं प्रेशर की लिखता हूं ये प्रेशर है अभी मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं देखो फोर्स किस प्रकार से आएगा ये जो स्लैंट एरिया है ये कितना है स्लैंट एरिया कितना है जिस पर ये प्रेशर है क्योंकि मुझे क्या निकालना है मुझे फोर्स निकालना है अब फोर्स कैसे आएगा प्रेशर इनटू एरिया तो मुझे ये बताओ कि ये एरिया कितना आएगा ये वाला एरिया अब ये वाला एरिया आपको ऊपर से स्ट्रिप में दिखाई देगा समझे ना ऐसे इस तरीके से स्ट्रिप में दिखाई देगा तो वो मैं कितना मान सकता हूं उसके लिए मुझे इसकी रेडियस से ये होगी इसकी रेडियस यहां से लेके यहां तक रेडियस मेरे को चाहिए होगी मान लेता हूं मैं रेडियस इसकी वाई है समझे ना सेंटर से ये वाई डिस्टेंस है इस डिस्क की जो एलिमेंट की शेप है उसकी रेडियस वाई है तो ये जो आएगा ये आएगा टू पाई वाई इन टू स्ट्रिप को मैं ऐसे सीधा करूंगा काट दूंगा तो आएगा एरिया इन टू विथ डीएक्स ये आएगा एरिया तो अगर मुझे फोर्स बताना है इस प्रेशर को कन्वर्ट करना है किसमें फोर्स में तो मुझे इस एरिया से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये फोर्स हो जाएगा ऐसे इधर इन टू डी ए क्या हो जाएगा फोर्स अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा ऐसे ही इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा आई बात समझ में क्लियर अब क्या करेंगे मान लेते हैं कि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा इस डीएफ का इधर आएगा डीएफ कोस थीटा, इधर आएगा डीएफ कोस थीटा, इधर आएगा डीएफ साइन थीटा इधर आएगा डीएफ साइन थीटा ये डीएफ था फोर्स जिसका अमाउंट इसके बराबर आएगा ये जो लिखा हुआ है एक्स डीए ये डीएफ था जिसका अमाउंट किसके बराबर था इसके रोजी एक्स डीए अब अगर मैं इन फोर्सेस को टॉप यू से देखता हूं तो ये वाले जो फोर्सेस हैं वो सेंटर की ओर मुझे लगते हुए नजर आएंगे सारे के सारे किसकी ओर सेंटर की ओर कौन से वाले डीएफ थीटा वाले सबकी वैल्यू बराबर होगी और सेंटर की ओर लेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? देखता हूं तो वो मुझे अंदर की ओर नजर आएंगे ऐसे। पर अंदर की और।, और इनकी वैल्यू होगी डीएफ साइन थी डीएफ क्या है वो मुझे पता है रोजी एक्स इंटू डी एफ है ये आएगा, अंदर की ओर तो यानी नीचे की ओर तो नेट फोर्स डी एफ नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा डी एफ साइन थीटा सभी पॉइंट पर जो डीएफ डी एफ लग रहा है नीचे की ओर डीएफ साइन थीटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किधर है ये नीचे की ओर आई बात समझ में अब यहां मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा डीएफ की डीएफ की वैल्यू कितनी है रो जी एक्स डीए डीए कितना है टू पाई वाई टू डी एक्स इंटू साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन इंटू नहीं मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं यहां आएगा एफ नेट और इसकी डायरेक्शन है नीचे की ओर अब इसमें देखो ये थीटा किस प्रकार से आप लिख सकते हो ये एंगल थीटा है समझे ये एंगल थीटा है नाइंटी माइनस थीटा है तो ये नाइनटी माइनस थीटा है तो यह थीटा है आई बात समझ में तो इसका मतलब यह है कि आप थीटा जानते हैं कितना है क्योंकि आप ये जानते हैं ये हाइट एच है और ये कितना है ये आप जानते हैं एरिया दिया हुआ है मुझे तो मैं आपको ये लेंथ दे देता हूं स्मॉल एल कैलकुलेट कर सकते हैं आप ये कितना आएगा ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि यह लेंथ कितनी आएगी क्योंकि मुझे कैपिटल ए पता है ये ए पता है तो इन दोनों रिलेशन से मैं ये एल कैलकुलेट कर सकता हूं तो मुझे ये एल और एच पता है तो साइन थीटा पता है मुझे ये थीटा लिख सकता हूं साइन थीटा नॉन क्वांटिटी है समझे ना और एक कॉन्स्टेंट है तो ये थीटा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा रो जी टू पाई आएगा अब वाई और एक्स को देख लेते हैं देखो वाई क्या है, वाई है ये है और ये एच है तो क्या मैं वाई को नहीं लिख सकता हूं इसके एक्स के साथ देखो कैसे बड़े आसानी से लिखा जा सकता है इस को देखो। ये मैंने बोला एल है ये वाली लेंथ मुझे बताना है ये x है और सेंटर से y माना हुआ है मैंने ये y माना हुआ है और ये टोटल h है तो क्या आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो आप लिखोगे h यानी ये बाई एल देखो कैसे h बाई एल ये लेंथ अपॉन ये लेंथ बराबर x बाई ये लेंथ y डेस एक्स बाई एल सॉरी एच बाई एल एक्स बाई वाईड लिख दिया मैंने एच टोटल हाइट क्या है एच एच बाई एल यहां तक एक्स है एक्स बाई वाई डे तो वाई डे आया कितना एल एक्स बाई एच ये वाई डेस आया मुझे बताना क्या है वाई मुझे लिखना है वाई यहां से ये यह कौन है वाई डे तो क्या आप ये जानते हैं कितना है बिल्कुल ये जानते हैं आप कितना है क्योंकि आप ए जानते हैं कितना है तो ये आप जानते हैं ये रेडियस कितनी समझे तो अग, अगर मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए दे रहा हूं इस, आपको, तो इसका है मैंने तो कैपिटल बराबर ए तो आर बराबर आएगा ए बाई पाई का रूट तो ये लेंथ कितनी है स्मॉल आर और स्मॉल आर कितना है रूट ए पाई कैलकुलेट किया जा सकता है साइन की वैल्यू भी और ये एल भी है? मेरा मतलब ये है आपको बताने का समझे ना यहां स्मॉल r ये l r प्लस कैपिटल l क्या हो जाएगा कैपिटल r और कैपिटल r को क्या लिख सकते हो आप कैपिटल a पाई का रूट तो सब चीज पता है आपको तो मैं स्मॉल r ही लिख देता हूं यहां अब स्मॉल r लिखने के बाद मुझे पता चल चुका है कि y कितना आएगा y आएगा y डैश यानी lx by h प्लस स्मॉल r ये आएगा अब ये यह वैल्यू यहां पुट कर देता हूं रो जी टू पाई वाई एक्स डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है यहां से निकालते हैं एल एक्स बाय आर ये वाई आया रो जी टू पाई बाहर ले लेते हैं साइन थीटा भी बाहर ले लेते हैं यहां इंटीग्रेशन लगाते हैं क्योंकि रो रोजी कॉन्स्टेंट है टू पाई कॉन्स्टेंट है साइन थेटा कॉन्स्टेंट है एक्स वाई की वैल्यू पुट किया डी अब इसमें देखो सिर्फ एक्स अननोन है एक्स कहां से लेके कहां तक जीरो से लेके एच तक यहां से मुझे नेट मिलेगा तो ये जो तरीका है इंटीग्रेशन का ये ज्यादा कैलकुलेटिव है इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको समझे इसलिए मैंने बोला था कल वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी कि जो हम पहले बेस के इक्वल के बारे में सोचते हैं वो तरीका स्मार्ट वे है वो ज्यादा अच्छा तरीका है उसमें डायरेक्ट आप उस फोर्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो जिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है आप इक्र के बारे में सोच रहे हो इस पूरे सिस्टम के तो आप ये बता सकते हो कि जो फोर्स क्वेश्चन में पूछा गया है वो किस तरीके से स्मार्ट वे में कैलकुलेट किया जा सकता है जैसे मैंने पिछले मेथड में सोल्व किया था ये मेथड थोड़ा लेंथी है समझिए तो एडवांस वाले बच्चे इस वाले मेथड से भी सोल्व करेंगे और इस मेथड में सोचने के बारे में नीट वालों को नहीं सोचना है इस मेथड के बारे में क्लियर क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है जो स्मार्ट मेथड है वही ज्यादा सही है सबके लिए उसमें समय नहीं लगेगा समझे उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम है देखो अच्छा अभी तक जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल थे मैं अच्छे सोचना था अब मैं कुछ प्रॉब्लम बैरोमीटर की और जो पास्कल लो है उसकी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान आपके लिए होंगे देखो पहला प्रॉब्लम क्या है बैरोमीटर बेस्ड क्वेश्चन है एग्जाम्पल बैरा मीटर वॉट वुड बी दाइट ऑफ द वॉटर कॉलम एट स्टैंडर्ड एटमोस्ट प्रेसर सेवन सेंटीमीटर जो बैरामीटर होता है उसमें हम जनरली मरकरी फिल करते हैं यह मैंने आपको बताया था के टीजी में कि बैरा मीटर क्या होता है उसमें हम क्या करते हैं कि मरकरी लेते हैं और एक एंड से ओपन टेस्ट ट्यूब को जो एक एंड से ओपन हो दूसरे से क्लोज हो उस टेस्ट ट्यूब को इसमें कंप्लीटली फिल करके क्लोज वाले एंड से बाहर निकालते रखते हैं धीरे धीरे निकालते हैं तो क्या होता है कि उसमें मरकरी ऊपर की ओर राइज करती है जैसे जैसे आप उसको बाहर निकालते हो तो मरकरी भी आपके साथ में ऊपर की ओर राइज करती है और एक हाइट पर ले जाने के बाद मरकरी की हाइट नहीं बढ़ पाती है समझना ऐसा होता है मरकरी यहां तक ही राइज़ करती है उसमें तो हम ये बोलते हैं कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर किसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए और बी यही वो बात मैंने आपको बताई थी केटीजी में अब ये जो पॉइंट है यहां सी इस पॉइंट कि अगर मैं बात करता हूं वो ए बी के साथ इक्वल लेवल में है और रुके हुए फ्लू में ये प्रॉपर्टी होती है कि सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर एट सी विल इक्वल टू टू प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी जो किसके बराबर है पी एटमोस्फेयर के बराबर है तो यानी पी सी विल बी इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्रेशर और सी क्या आएगा अगर ये हाइट में एच कहता हूं और यहां तो वैक्यूम है तो यहां तो कोई प्रेशर नहीं होगा तो मैं लिखूंगा रो ऑफ मरकरी जी एच बराबर पी एटमोस्फ्रिक प्रेशर तो एटमोस्फ्रिक प्रेशर मेरे सामने मरकरी की हाइट की फॉर्म में आ जाता है समझे मैं ये कहूंगा अगर यहां मरकरी है तो ये हाइट अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें मरकरी लेते हैं तो हाइट 76 सेंटीमीटर आती है क्योंकि यह एटमोस्फ्रिक प्रेशर जो होता है ये फिक्स होता है तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा जो मैंने अभी बताया तो ये हाइट सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर आएगी अगर मरकरी लेते हैं फ्लूड तो बेटा यहां जो हाइट आएगी वो हाइट में एटमोस्फिर प्रेशर की वैल्यू देने के लिए यूज कर सकता हूं मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां एटमोस्फिर प्रेशर जो है वो सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी के बराबर है इस तरीके से मैं एटमोस्फिर प्रेशर को बता सकता हूं कि इंफॉर्मेशन दे सकता हूं अब जिसको मैं बता रहा हूं वो अगर इसको एस SI में कन्वर्ट करना चाहता है 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी को प्रेशर के एसाई SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा रो ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देगा मतलब उस हाइट में डेंसिटी और जी से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये रो जी एच जो आएगा ये एटमोस्फिर प्रेशर आपको ऐसा SI यूनिट में देगा क्लियर तो कुल मिला के प्रेशर बताने के एक नया तरीका मुझे पता चला प्रेशर बताने का एक नया तरीका पता चला मेरे को दैट इज इन हाइट ऑफ फ्लूड क्लियर फ्लूड की हाइट की फॉर्म में भी मैं प्रेशर को किसी को बता सकता हूं प्रेशर की तो ये हाइट कितनी आएगी कोई दिक्कत नहीं है हम फिर से फिगर बनाते हैं मान लेते हैं कि हम क्या लेते हैं अब की बार इसमें पानी फिल किया मैंने बीकर में मर टेस्ट ट्यूब लिया फिर से एक्सपेरिमेंट किया और इस बार मैंने पाया कि जो पानी राइज करता है इस टेस्ट ट्यूब में बेटा ये कैपिलरी नहीं बोल रहा हूं मैं टेस्ट ट्यूब बोल रहा हूं टेस्ट ट्यूब है कैपिलरी अलग होता है तो कंफ्यूज मत हो जाना ये एक साइड से बंद है कैपिलरी दोनों साइड से ओपन होती है मैंने देखा कि यहां तक स्मॉल एच हाइट तक पानी राइज किया इसमें अगर मैं यहां क्या लेता हूं वॉटर लेता हूं यहां क्या लिया मैंने एच डी यहां जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर तो अभी भी पी एटीएम के बराबर होगा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है समझे ना जो ये एटमोस्फेयर है हमारे सर के ऊपर हमारे ये एयर जो है इस एटमोसफेयर की वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है उसे ही हम बोलते हैं एटमोसफिर प्रेशर तो यहां ए बी और सी पॉइंट पर इस वाले क्वेश्चन में भी हम यह लिखेंगे कि पी सी विल बी इक्वल टू पी ए बराबर पी बी ये बराबर किसके है पी ए टी एम अब पी ए टी एम यहां पॉइंट सी पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे रॉ ऑफ वाटर जी एच ये मुझे बताना है कि यदि मैं पानी लेता हूं तो ये एच कितना आएगा देखो कैसे आएगा पी ए टी एम अपॉन रोडब्ल्यू इन टू जी अब ये कितना होता है पी ए टी एम कितना होता है SI यूनिट में ये कॉन्स्टेंट होता है टेन की पावर फाइव न्यूटन पर मीटर होता है समझे ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है ऐसा यूनिट में कॉन्स्टेंट होता है अब रोडब्ल्यू कितना होता है थाउजेंड किलोग्राम मीटर क्यूब ऐसा ही यूनिट में जी टेन मान लेता हूं तो ये कितना आया ऑलमोस्ट टेन जीरो 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 टेन की पावर फाइव तो कितना आया टेन मीटर तो आंसर क्या आएगा ऑलमोस्ट टेन मीटर ये ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये वन पॉइंट वन समथिंग इंटू टेन की पावर फाइव होता है तो आंसर ये आएगा टेन मीटर के लगभग बराबर